2018 के आगाज में पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल के जेरे एहतमाम तीन रोजा फैशन मेले में जदीद तराश खराश नित नए रंगों और मुनफिस स्टाइल के पैरहन मुतारिफ कराए गए। तीन रोजा फैशन शो में मजमुई तौर पर 20 से ज़ायद डिजाइनर्स का काम शोकेस किया गया। मुख्तलिफ फैशन शोज में बच्चों के लिए नए ट्रेंड्स पर मबनी मलबूसात भी रैंप की जीनत बनाए गए। जिससे इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दुनियाए फैशन में मर्द खवातीन और बच्चों के लिए मुनफिद डिजाइन्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं। नए लोगों के लिए ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म है, इतने ज्यादा वेडिंग शोज हो रहे हैं, ये एग्जीबिशंस हो रही हैं। वहाँ पहले एक नॉर्मल ट्रेंड था कि एक हॉल के अंदर एक सर्टन कटोर वीक के अंदर डिज़ाइनर्स अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करते थे। अब जिस तरह ओपन फेस्टिवल्स हो रहे हैं, एग्जीबिशंस हो रही हैं, मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, तो नए डिज़ाइनर्स के लिए भी ये मतलब एक तरह का चांस है कि वो एक छोटे लेवल पे भी अपने आप को आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव। आप एक जगह पे जाते हैं, वहाँ फैशन शो हो रहा होता है, वहाँ पे सारे डिज़ाइन कलर्स और सीज़न के मुताबिक वो आप देख लेते हैं, आपको चॉइस में आसानी हो जाती है। साल के आखिर में उरूसी फैशन मेले के चर्चे रहे, जिसमें लॉन्ग टेल लहंगे, कामदार मैक्सी और भारी बरकम शरारे रैंप की जीनत बने, जबकि शो स्टॉपर की सूरत में फिल्मी स्टारों की आमद ने फैशन के दिलदादा अफराद के शौक पूरे करा दिए। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ कासिम अरशद, डॉन न्यूज, लाहौर।